हेलो दोस्तों, नितिन फोटोग्राफी में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मेरा नाम है नितिन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे हम फोटोशॉप में बैकग्राउंड कलर के साथ शैडो मैच करते हैं। आपने कभी देखा होगा जब भी हम बैकग्राउंड चेंज करते हैं और शैडो होती है हमारी फ़ोटोज़ में, तो शैडोज़ का कलर हम मैच नहीं कर पाते, जो कि यानी एडिटिंग हमारी प्रोफेशनल दिखती नहीं है। तो आज हम देखेंगे जब भी हम बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं या कोई भी बैकग्राउंड चेंज करते हैं, तो जो हमारी ब्लैक शेडो होती है उस कलर के साथ कैसे मैच होती है, जैसे रेड कलर है या येलो कलर है, तो उन कलर के साथ हमें शेडो मैच करना है और एकदम प्रोफेशनली जो है लगना चाहिए कि एडिटिंग नहीं हुई है, ओरिजिनल है। तो देखते हैं हम कैसा करते हैं। सो लेट जम्प इन द फोटोशॉप। यहाँ सबसे पहले मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूँ। यह हमने एक इमेज ओपन कर ली है और ऐप से मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बैकग्राउंड में जो है गर्ल्स खड़ी हुई है, उसकी शैडो भी है यहाँ पे जो मैंने क्रिएट की है, पहले नहीं थी। और अब हम देखेंगे इस शैडो के जो ग्रीन यहाँ पर बैकग्राउंड दिया हुआ है उसको अगर हम दूसरे कलर में रखते हैं तो इस जो शैडो है जो ग्रीन कलर में है वो दूसरे कलर के साथ भी मैच होना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम कैसे करते हैं ये। चलिए सबसे पहले मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैजिक वैंड टूल ले लेता हूँ जिसकी शॉर्टकट W है, और यहाँ से ग्रीन कलर पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से थोड़ी टेलरेंस बढ़ा लेते हैं हम, यहाँ 40 रख लेते हैं और अब शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट कर लेते हैं। इस बार मुझे शैडो सिलेक्ट नहीं करना है, ओनली इमेज सिलेक्ट करना है। यहाँ से मैं लासो टूल ले लेता हूँ L, और अल्टर बटन प्रेस करके यहाँ से ऐड कर लेता हूँ सिलेक्शन। हियर इज नॉट सिलेक्टेड लिटिल बिट, सो अगेन मैजिक वैंड एंड प्रेस शिफ्ट एंड सेलेक्ट देम। ओके, ये हमने यहाँ पर सारी इमेज जो है सिलेक्ट हो गई है हमारी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एड अ लेयर मास्क पे क्लिक करूँगा तो ये जो है लेयर मास्क यहाँ पर हमारी ऐड हो गई। अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस करूँगा ये इस तरीके से, तो जो है जो भी ग्रीन बैकग्राउंड हमें दिख रहा था वो अभी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में हो गया है। अब मैं ये सारा एरिया जो है वो कट आउट कर देता हूँ यहाँ से। अब मुझे करना क्या है, अल्टर बटन प्रेस करना है और ये लेयर मास्क पे क्लिक करना है। ये इस तरीके से जो भी यानी यहाँ पर आप जो भी ब्लैक कलर देख रहे हैं, जो पहले की ग्रीन था हमारा बैकग्राउंड, ये ब्लैक हो गया है। तो ऐसे ही हमें जो एरिया दिख रहा है इस तरफ का वाइट वाला, इस तरफ का वाइट जो दिख रहा है इसे भी ब्लैक कर देना है ताकि वो भी जो है ट्रांसपेरेंट हो जाए। यहाँ हम ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रश यहाँ से ले लिया मैंने, फोरग्राउंड कलर ब्लैक कर लिया है और इसे ब्लैक से भी पेंट कर सकते हैं, या फिर सेकंड ऑप्शन आप मार्की टूल लीजिए यहाँ से और ये सिलेक्ट करके फिल कर दीजिए उसे। फिल पे जाके शिफ्ट F5 इसकी शॉर्टकट है, यहाँ से ब्लैक कलर यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। तो सेम ये भी इजी है, अभी मैं शॉर्टकट F5 प्रेस करता हूँ और ब्लैक कर देता हूँ, F5 करके फिर से ब्लैक कर देता हूँ, नीचे से भी F5 और ब्लैक। अब फिर से देखते हैं हम अल्टर प्रेस करके क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सारा बैकग्राउंड जो है कट आउट कर दिया है और सिर्फ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हमें यहाँ पर दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं। यहाँ से चलता हूँ मैं लेयर पे और न्यू फिल लेयर पे, और यहाँ से सॉलिड कलर हम यहाँ से ले लेते हैं। जो भी कलर आपको पिक करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हम बैकग्राउंड का कलर ही ले लेते हैं ये, और इसे मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ तो ये बैकग्राउंड में आ गया हमारे, जबकि हमारा बैकग्राउंड जो था ओरिजिनली इस कलर का था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इस कलर का भी, इसी कलर का जो हमारा बैकग्राउंड है उसी कलर का हम इसे बना लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे अल्टर बटन प्रेस करके सबसे पहले पिकअप टूल ले सकते हैं आप, या फिर यहाँ से भी पिकअप टूल ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ ये कलर। तो यहाँ फोरग्राउंड में ये कलर जो है सेट हो गया है। अभी यहाँ डबल क्लिक करना है आपको, और ये जो पिकअप टूल है यहाँ पे अभी सिलेक्ट कर लेना है, और देन ओके। अब वो सेम कलर जो है हमारे बैकग्राउंड पे आ गया है, तो ये हम देख सकते हैं ये जो है बैकग्राउंड पे कलर आ गया है। अभी मैं इसे टेम्परेरी इनविजिबल कर देता हूँ शिफ्ट प्रेस करके, तो ये आप ओरिजिनल इमेज देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस लेयर को जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है न्यू पे, तो डुप्लीकेट लेयर बन जाएगी ये। और अब हम यहाँ पर शैडो को अलग से सेलेक्ट करेंगे, ये वाली यहाँ जो आप शैडो देख रहे हैं, अब हमें इसे सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ से मैजिक वैन टूल ले लेते हैं जिसकी शॉर्टकट W है, और यहाँ से हमें टॉलरेंस जो है कम कर लेना है, एडजस्ट कर लेना है। और अब हम यहाँ से शैडो सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके आपको जहाँ से भी यानी और सिलेक्ट करना है वो कर सकते हैं आप। ये जो अननेसेसरी एरिया सिलेक्ट हो गया है अब हम उसे डिसेलेक्ट कर देंगे। लासो टूल से हम उसे डिसेलेक्ट करेंगे जिसकी शॉर्टकट L है। अल्टर बटन प्रेस करके मैं इसे डिसेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ आप माइनस का साइन भी देख सकते हैं लासो टूल पे कर्सर पे, ये इस तरीके से हमें डिसेलेक्ट करना है बहुत ही केयरफुली। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी शैडो कंप्लीट हो गई सिलेक्शन लगभग। अब हम चलते हैं यहाँ पर रिफाइन एज पे, यहाँ पर से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं रिफाइन एज। ये रिफाइन एज का डायलॉग बॉक्स यहाँ ओपन हो गया, और आप शैडो का प्रीव्यू देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से आप व्यू चेंज कर सकते हैं जिसमें भी आपको सूटेबल लगे, ऑन लेयर ऑन वाइट कलर वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ से मैं थोड़ी सेटिंग कर लेता हूँ, फेदर स्मूथनेस वगैरह जो भी है यहाँ पे। ये आप इसके किनारे देख सकते हैं थोड़ी स्मूथ हो गई है अभी, पहले एकदम शार्प थी, अभी हम थोड़ी सी फेदर बढ़ा देते हैं। ये सेटिंग आपको, ये यहाँ पर आपको थोड़ा केयरफुली करना होगा। अब मैं अपनी ऑन लेयर मास्क पे जो है अपडेट कर देता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली मेरी लेयर मास्क जो है अपडेट हो जाएगी। ये देखिए, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं शैडो।
जो है काफ़ी अच्छे से सिलेक्ट हो चुकी है। ये हमारी शेडो वाली लेयर है और ये इमेज वाली लेयर। अब मैं इसे टेम्परेरी इनविजिबल जो किया था वो हटा दिया है मैंने। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो शेडो है वो बैकग्राउंड के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से मैच हो गई है। लेकिन अगर हम दूसरा कलर लेते हैं तो ये इतनी मैच नहीं होगी। जैसे कोई दूसरा कलर हम रेड येलो वगैरह लेते हैं तो इस तरीके से मैच नहीं हो पाएगी। तो आइए अब हम यह कैसे मैच करेंगे देखते हैं। यहाँ मैं एक न्यू ब्लैंक लेयर ले लेता हूँ और उसे ड्रैग कर देता हूँ नीचे, और यहाँ से हम ब्रश ले लेते हैं और कोई भी कलर जो है हम यहाँ पर करके देखते हैं। ये इस तरीके से मैंने येलो कलर कर दिया, लेकिन जो है अभी भी शेडो है येलो कलर के साथ मैच नहीं हो रही है। तो आइए देखते हैं हम यह कैसे मैच करते हैं। हम यहाँ पर शेडो वाली लेयर पे गए, इसकी ऑपेसिटी थोड़ी कम कर देता हूँ मैं, और इसका ब्लेंडिंग मोड जो है मल्टीप्लाई में सिलेक्ट कर देता हूँ। थोड़ी सी और ऑपेसिटी मुझे कम करना होगा। हाँ, अब थोड़ी कुछ अच्छी दिख रही है। ब्लेंडिंग मोड आपको मल्टीप्लाई ही रखना है। अब हम दूसरा कलर सेलेक्ट करके देख सकते हैं, जैसे कि ब्लू कलर हम करके देखते हैं अभी। और हम अपनी लेयर पे आ जाते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए आप, ब्लू कलर भी शेडो के साथ जो है काफ़ी अच्छी तरह से मैच हो रहा है। रेड कलर देखते हैं, रेड भी अच्छे से मैच हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी कलर में जो है हमारी शेडो मैच हो रही है। वो इसलिए मैच हो रही है क्योंकि हमने ब्लेंडिंग मोड चेंज कर दिया है मल्टीप्लाई में। ये देखिए रेड कलर में भी कितने अच्छे से मैच हो गई है। अब हम इस लेयर को डिलीट कर देते हैं, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है डिलीट आइकॉन पे। और अब एक मज़ेदार सा बैकग्राउंड हम यहाँ पर तैयार करने जा रहे हैं। न्यू सॉलिड कलर आपको यहाँ पर लेना है, कोई भी कलर जो आपको पसंद है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। मुझे ज़्यादातर लाइट कलर ही पसंद है, ओवर अच्छे नहीं लगते मुझे। यहाँ से मैं इसे पिक कर लेता हूँ। ओके, और अब मैं ग्रेडियंट यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं जो सेकंड प्रीसेट है इसे ब्लैक कलर, यहाँ रेड की जगह ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये ब्लैक, ओके एंड दिस ओके। यहाँ एज इट इज़ ही रहने देना है। अब हमें ध्यान में रखना है कि जो लेयर मास्क है ये सिलेक्ट होना चाहिए हमारी, और मैं ये ऊपर से नीचे ग्रेडियंट ड्रॉप करता हूँ। बहुत ही मज़ेदार बैकग्राउंड यहाँ पर हमारा तैयार हो गया है। और कंट्रोल आई से मैं इसे चेंज कर सकता हूँ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर बैकग्राउंड जो है काफ़ी अच्छा तैयार कर लिया है। अब हम इसे और लुकिंग में गुड दिखना चाहिए, इसके लिए एक डिज़ाइन बना लेते हैं बैकग्राउंड में। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इन दोनों लेयर्स को एक फोल्डर में डाल देता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल क्लिक एंड कंट्रोल जी से ग्रुप बन जाएगा, और मैं इसे रीनेम कर देता हूँ बैकग्राउंड वन। एंड ओके, ये हमारा जो है बैकग्राउंड तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, फिर से चलते हैं लेयर मेनू पे, और यहाँ से न्यू प्लेयर सॉलिड कलर फिर से ले लेते हैं।
और जो भी कलर आपको पसंद है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। मैं ये कलर ले लेता हूँ, बाद में हम फिर से इसे चेंज भी कर सकते हैं। और इसे ड्रैग कर देता हूँ नीचे, बैकग्राउंड वन के ऊपर मैं इसे ड्रॉप कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमें मास्क पे क्लिक करना है और एम से मर्क्यू टूल सेलेक्ट करना है। ये यहाँ पर मर्क्यू टूल आप देख सकते हैं, और मैं यहाँ सेंटर में इसे ड्रैग कर देता हूँ और कंट्रोल आई प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से। और अब मैं इसे कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर इतनी जो मर्क्यू हमने सेलेक्ट किए थे वहाँ बैकग्राउंड हमें पीछे का बैकग्राउंड हमें दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल आई अगेन प्रेस करूँगा तो इनवर्स हो जाएगा वो, अब सामने का जो है बैकग्राउंड हमें दिखेगा। अब कंट्रोल टी से मैं प्री ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ और कंट्रोल से मैं यहाँ सेंटर वाले पॉइंट से इसे मूव करके देख सकता हूँ किस एंगल पे आने डिज़ाइन हमारी सही दिख रही है, या फिर इसे ऊपर नीचे कहीं पर भी मूव कर सकते हैं आप। इसे थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से बढ़ा सकते हैं, या फिर जितना भी आपको रखना चाहें रख सकते हैं। इस तरीके से साइज भी बड़ा छोटा कर सकते हैं आप। और इंटर कर देता हूँ मैं अभी। अब हम फिर से इसमें इसके अंदर दो कलर डाल लेते हैं। फिर से चलते हैं हम और लेयर मेनू पे चलते हैं, फिर से न्यू फिल लेयर पे सॉलिड कलर हम ले लेते हैं एंड देन ओके। नाउ अब मैं एक सेम उसी से मिलता जुलता कलर ले लेता हूँ ये, और इसे राइट क्लिक करके इसके ऊपर क्रिएट क्लिपिंग मास्क लगा देता हूँ। अब मैं अपने कीबोर्ड से जी प्रेस करता हूँ ग्रेडियंट के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आइकॉन दिख रहा है, और यहाँ से आपको ये सेकंड में यहाँ पर दिखेगा आपको प्रीसेट, वहाँ पर आपको ब्लैक कलर ले लेना है और इस तरफ ट्रांसफरेबल ही रहने देना है और एंड ओके कर देना है। यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना है कि यहाँ पर मास्क लेयर जो है सिलेक्ट होना चाहिए। और अब मैं यहाँ से जस्ट सिंपली ड्रैग करता हूँ इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं ऊपर में थोड़ा लाइट कलर जो है ये नीचे का शो हो रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर थोड़ा डिजाइन दिख रही है। तो इस तरीके से मैंने डिज़ाइन यहाँ पे तैयार कर दिया है। आप चाहे तो और भी अच्छी डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। तो अब मैं इन दोनों लेयर को जो है फिर से ग्रुप में डाल देता हूँ, एक फोल्डर बना देता हूँ, इसका नाम दे देते हैं हम डिज़ाइन। कंट्रोल जी प्रेस किया मैंने, इसे रीनेम कर देता हूँ डिज़ाइन। और ओके, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं डिज़ाइन भी बन गई है और ये बैकग्राउंड भी दिख रहा है, ये शैडो है हमारी, ये इमेज है। फ्रेंड्स हमारी यहाँ पर इमेज जो है तैयार हो चुकी है टोटली, बैकग्राउंड हमने तैयार कर लिया, बैकग्राउंड डिज़ाइन तैयार कर लिया। और अगर मैं अब जूम करके देखता हूँ इसे थोड़ा सा, तो इस तरीके से जो ग्रीन दिख रहे हैं हेयर्स पे ये आपको दिख रहे होंगे, तो ये क्या है हमारी इमेज में जो है ग्रीन कलर है वो, ना कि शैडो में। तो ठीक है हम इसे करेक्ट कर लेते हैं अभी। इसके लिए करना क्या होगा, मुझे सबसे पहले एक न्यू ब्लैंक लेयर ले लेना है और इसे इमेज के ऊपर ड्रैग कर देना है और क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देना है। क्रिएट क्लिपिंग मास्क ये होता है कि जो भी मैं काम करूँगा अब इस लेयर के ऊपर होगा। ठीक है, अब मैं अपने कीबोर्ड से अल्टर बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ से ये कलर पिक कर लेता हूँ जो हेयर्स का कलर है, और यहाँ से ब्रश सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और इसका साइज आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, हार्डनेस तो बहुत ही सॉफ्ट रखना है आपको इस तरीके से, और ब्रश का साइज मैं कम कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से अल्टर बटन प्रेस करके या फिर यहाँ से आप पिकअप टूल से भी जो है कलर यहाँ फोरग्राउंड कलर यही वाला रखना है आपको,
या मैं शॉर्टकट अल्टर बटन प्रेस करके यहीं से सेलेक्ट कर लेता हूँ और पेंट कर देता हूँ इस पर। ये जो है इसकी ओपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, मैं कम कर लेता हूँ इसको, 20 के आसपास रख लेता हूँ। अब ब्रश करता हूँ, ठीक है अब ठीक दिख रहा है। इस तरीके से मैं इसके ऊपर पेंट कर देता हूँ। अभी जहाँ पर जो भी कलर है आपको लग रहा है वही लेना है। ये एक टेम्परेरी बता दे रहा हूँ मैं। वैसे तो इस इमेज की जो है रिजोल्यूशन काफ़ी ख़राब है, इस वजह से प्रॉपरली कटआउट नहीं हो पाई है और हमने जो है मैजिक वैन टूल से कट किया है, इस वजह से ये ख़राब सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे। बाकी आपको जो वर्क करना है प्रोजेक्ट पे अच्छे से सेलेक्ट करके प्रॉपरली स्मूथली सिलेक्शन करना है। आज से फिर मैंने कलर पिक किया और ये कलर यहाँ पर लाइट यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पर येलो कलर है टी शर्ट पे, येलो ले लेंगे हम। सॉरी ब्लैक कलर में इफेक्ट आ गया थोड़ा सा, येलो कलर ले लिया मैंने। ब्रश का साइज छोटा कर लिया है, यहाँ से भी येलो ही कलर है, यहाँ से ब्लैक कलर है, येलो कलर, ब्लैक कलर। यहाँ येलो कलर है, येलो कलर, वाइट कलर, फिर से येलो कलर यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ से वाइट कलर है, यहाँ ब्लैक कलर है, ये स्किन कलर। ब्लैक कलर, येलो कलर, हमें जो है ग्रीन कलर का जो बैकग्राउंड था वो टोटली हटाना है। ओके फ्रेंड्स, यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये काफ़ी चेंजेस हो गया है, क्योंकि पहले एकदम बेकार दिखता था इस तरीके से। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हाथ में जो ग्रीन कलर की लाइन आ रही थी या फिर ये बालों में आ रही थी, यहाँ से आ रही थी, वो अभी गायब हो जाती है यहाँ से। ये देखिए, थोड़ा सा हमें यहाँ पर भी काम करना है, वो भी कर ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ब्लैक कलर में ले लेता हूँ और इसमें ब्लैक कलर कर देते हैं हम। यहाँ से स्किन का कलर मैं उठा लेता हूँ और स्किन का कलर कर देते हैं। लुकिंग नाइस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ये हमारा जो कटिंग था वो हमने थोड़ा सा सुधार लिया है, और ये काम जो है काफ़ी फिनिशिंग के साथ करना होगा आपको। इस तरीके से आप शैडो में भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, तो मुझे तो वहाँ पर ज़रूरत नहीं है अभी शैडो में करने की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी इमेज कम्प्लीटली डन हो चुकी है शैडो एडिटिंग वगैरह। और फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और थम्स अप देना भी बिल्कुल ना भूलें, और आप फेसबुक व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।